स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं अफशा। देश में किसानों की विशेष उत्पादनों में हर तरह की फसल को प्रोत्साहित मोल नहीं मिल सका। वहीं बीजापुर जिले को एशिया खंड के दूसरे स्थान में सबसे ज्यादा अंगूर और तोर की फसल उगाए जाने वाला प्रदेश के तौर पर देखा जाता है, पर इन फसलों को एक रूप के बाजार मोल नहीं मिलने से किसान कंगाल हो गए हैं। डॉक्टर प्रकाश किसानों से एपीएमसी केंद्र के सभागार में रूबरू हुए, वहीं किसानों को राहत दिलाने का आश्वासन दिया। कर्नाटका इज ए फर्स्ट स्टेट प्रोबेबली इन इंडिया टू टेक ए नोवेल स्टेप, एक अच्छा कदम उठा रहा है। ये क्या है? ये सेपरेट प्राइस कमीशन एट द स्टेट लेवल हैज बीन फॉर्मड। अच्छा दाम के लिए ये सेपरेट कमीशन has been formed in Karnataka, called Karnataka Agriculture Prices Commission. कौन से फसल का? ये सभी फसल का ख्याल रखने के लिए। कितनी फसल? वो 25, हमने वी आर फोकसिंग ऑन 25 एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर कमोडिटीज। वो दिस 25 कमोडिटीज आर द मेजर कमोडिटीज, मेजर क्रॉप्स ऑफ कर्नाटका। Our job is to see that these farmers growing these crops, you know, will get a better price and good market for their commodities. Price in market, acha dam, acha market dena ye sabhi ke liye. Tur ka dam kya raha dilayegi kisanon ko? Wo tur ke baad main bata raha hu. Government of India announced a price of 5050 rupees per kg of red gram or tur. Our government is giving 450 rupees higher price. 550 plus 450, that means 500 rupees. Government of Karnataka giving it to the farmers and also procuring from the farmers. Support rate? No? Support price is 5500 in Karnataka, whereas it is just 5050 rupees in other state. In this way, because of our Agricultural Price Commission and also Government of Karnataka's good step, farmers are getting a better price compared to the farmers in other states of India. So these are something very important, and this district called the Bijapur district is known for producing the good varieties of grapes. So we have discussed how to strengthen the grape production, how to strengthen the marketing, how to make the grape growers also acha to get the better price for grape producers also. बीजापुर जिला पुलिस प्रदेश में बढ़ रहे अपघातों की संख्या को देखते हुए जागरूक अभियान किया गया। इस रोड शो में करीब 1000 से भी अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। शहर के आला पुलिस अफसरों ने छात्रों के अभियान में साथ दिया। गांधी चौक थाना अधिकारी बसवराज एलगार ने अभियान के जिम्मा संभालते हुए शहर में दुर्घटनाओं की संख्या कम करने और युवाओं में सुरक्षा के साधन उपयोग करने की अपील की। छात्रों ने अभियान में घोषणाओं के साथ अपने हाथों में जागरूकता के शब्द लिखे हुए बैनर लहराए। अब्दुल रजा कादरी का 387 सालाना उरूस शरीफ जनवरी 21, 22, 23 को बड़े अदब व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। अल रजाक यंग कमेटी के जिम्मेदारों ने इसकी इत्तला देते हुए कहा कि इंटरनेशनल नाथ खान जो साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं, आलिमों के बयानात भी होंगे, औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम किया गया है। गुम्बदों का शहर माना जाने वाला बीजापुर, आज हम शाह अब्दुल रजाक कादरी दरगाह के आस्थाने में आए हैं। इनका 387वां सालाना उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। इसके ताल्लुक से अल रजाक यंग कमेटी के जिम्मेदारों से बात करते हैं कि उर्स शरीफ की तैयारियां कहां तक मुकम्मल हुई हैं। अल रजाक यंग कमेटी के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रजाक लोनी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सरकार सैयदना अब्दुल रजाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ अल रजाक यंग कमेटी ने तमाम मेम्बरान तमाम जिम्मेदार 28 साल से ये अल रजाक यंग कमेटी का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। इस जनवरी 21 तारीख को संदल माली होगी और जनवरी 22 तारीख को
संदले शरीफ होगा और नात का प्रोग्राम होगा और बयान होगा, जुलूस होगा 21 तारीख को। तमाम लोग हिंदू और मुसलमान भाई से मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग यहाँ पर इस जलसे में शिरकत फरमा के इस दरगाह शरीफ के आकर इसका सवाब दारेन हासिल करें। नातका के हजरात साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, 23 तारीख को ठीक 8 बजे ये नातखा का प्रोग्राम होगा। बेंगलोर से 14 साल का एक बच्चा है, वो बच्चा भी आ रहा है, नात शरीफ पढ़ रहा है वो भी। मोहिद्दीन हुसैनी मोइन पीरा सज्जाद नसीन हमारे इस संदल माली उनके हाथों से चढ़ाई जा रही है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि तमाम लोग इस संदल माली में शिरकत फरमाए। तो तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस उरूस शरीफ 21 तारीख और 22 तारीख में आकर शिरकत फरमाइए। ये जिम्मेदार तकरीबन 28 साल से इस उर्स और संदल की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ज़िम्मेदारों की एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस संदल और उर्स में शिरकत फरमा कर इस जुलूस की रौनक बढ़ाएं। आबिद शेख कैमरामैन प्रशांत के साथ बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। और ज़्यादा खबरों के लिए यूट्यूब पर बी न्यूज़ नेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए बी न्यूज़ नेशन के साथ।